तेरे दर पे आके थम गए, नैना नमाजी बन गए, एक दूजे में यूं ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं और तुम। कैसी दिल लगाई कर गए, रूह की रुबाई बन गए, खाली खाली दोनों थे जो थोड़ा सा दोनों भर गए मैं और तुम। चलो जी आज साफ सा कहता हूँ, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है। चलो जी यार साफ सा कहता हूँ, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे लगना। ये धूप जरूरी, लगना ये छांव जरूरी, मिलते हैं इश्क जमीन पर अब दो ही नाम जरूरी, मैं और तुम। ओ, अपना खुदा भी होगा, अपना ही रब ले लेंगे, खुद की बना के दुनिया ये जिंदगी लेंगे मैं और तुम। चलो जी आज साफ सा कहता हूँ, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता। मेरी
साथ हो। तेरी नजरों में है तेरे सपनों में है नाराजी। मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर ना दूं, जब तक मैं दुआओं सा सौ दफा तुझे पढ़ ना लूं। हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। सवेरे लिए हाँ बादलों से उतारा गया तुमको मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। जब तक मेरी
उंगलियां तेरे बालों से कुछ कह ना ले, जब तक तेरी लहर में ख्वाहिश मेरी बहना ले। हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। तेरी झूठी बातें
एहसास की जो जुबान बन गए, एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। से मिला एक आयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। पितरण हो गए, तो पितरण का कार्य क्या है? पितरण का कार्य है धन देते हैं, जस देते हैं, जो कुछ कार्य किए तो उसमें जस मिलता है। धन वेदी करते हैं, अब वंश वेदी, जैसे इनके कुल की बच्ची है, अब ये कन्यादान जब हो गया तो ये आपके कुल में आ गई, अब आपके घर में जाएगी तो वंश वेदी करेगी। तो वंश वृद्धि कैसे करता है, जैसे गणेश जी पर आप दूध भी चढ़ाते हैं, लेकिन दूध इसलिए चढ़ाया जाता है कि दूध का स्वभाव होता है, एक दूध वहाँ पर रोकने के बाद वो दूध जो है ठंडा हो जाता है, माने दूध बढ़ता है। तो इसीलिए हम लोग बच्ची को कन्यादान किए, और आपके यहाँ जाकर वो आपका वंश वृद्धि करेगी। तो वंश वृद्धि में भी जो है हमारे पितरन का बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत से लोग को देखते हैं कि लोग कहते हैं पितरन दोष है, पितरन दोष वही होता है। तो इसलिए पूजा पाठ में जैसे भगवान की हम पूजा करते हैं, उसी दर्शन को पितरन को भी आशीर्वाद लेने के लिए पितरन को भी हमको करना होगा। जैसे क्या है, हम लोग भगवान को कैसे याद करते हैं, हवन करते हैं, जिसे जाता है जल हम लोग अर्पण करते हैं, जिससे भगवान को भोजन मिलता है। तो ऐसे हम लोग जल देते हैं तो भगवान को जल दिए, और जैसे ही हम ऐसे किए तो पितरन को जल चला जाता है। तो इसलिए पितरन का भी हमेशा ध्यान में रखना है।
ऐसा नहीं कि पितन, चूंकि पितन को जब आप पूजा पाठ करते रहिएगा तो हमेशा धन वृद्धि जो धन धन से उगे रहिएगा। अच्छा भरणम यदि तम कुर्जा पशु नाम परिपालनम च वामंग मायुम तदा त्वदयम जगाद कन्या वचन वचनम तृतीयम। लड़की का कहना है कि अभी तक आप स्वतंत्र थे, कि केवल घर आपका था, एक घर था, अब आपका दो घर हो गया। शादी जब हो गया तो दूसरा घर ससुराल हो जाता है। तो जैसे आप अपने पिताजी का माताजी का सेवा करते हैं, उसी तरह से हम भी आपके यहाँ गए, हम आपके पिताजी माताजी सबका आपका परिवार लोग का जो सेवा करेंगे, उसी तरह से हमारे भी घर के परिवार कोई भी आ जाएंगे उनकी भी हम सेवा सत्कार करेंगे, उसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है। ऐसे भी कहा जाता है कि अगर मैके का कुत्ता भी आ जाता है ना तो बेटी के लिए बहुत प्रिय होता है। कन्या का चतुर्थ वचन, आय व्यय धान्य धनादिकानां दृष्ट्वा निदेशं च गृहे नितधया वामंग मायामि तदा त्वदयं जगाद कन्या वचनं चतुर्थकम्। इसका कहने का मतलब ये है कि अभी तक आप जो भी कमाए, जो भी उड़ाए, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन अब चूंकि हम आपके अर्धान्य के रूप में आपके पास आ गए तो जो भी आपको कमाना है, यदि 10 रुपया कमा रहे हैं तो उसमें 2 रुपया भी सेव करके रखना है। ऐसा नहीं कि 10 रुपया कमा रहे हैं 12 रुपया खर्च कर रहे हैं तो 2 रुपया क्या होगा कि हम कर्ज में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होना है। अपने आय को देखते हुए उसी हिसाब से खर्च करना है। हमारे पास धन ज़्यादा है तो पूजा पाठ में भी लगाएंगे, किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं, किसी कन्या जो निर्धन कन्या है उसके शादी ब्याह में हम 2 पैसा जोड़ के दान कर सकते हैं। कन्या का पांचवा वचन है, देवालय राम तड़ाग कुप बापी विदधया यदि पूज्य था बमंग माई मायामी तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम च पंचम। इसका कहने का मतलब है कि बहुत सा निर्जन स्थान है कि जहाँ पे कि पानी उनी नहीं है, तो अगर हमारे पास कमाई ज़्यादा है तो निर्जन स्थान पे कहीं पे कुआं खनवा देंगे, कहीं पे गड्ढा करवा देंगे, नहीं कुछ हो तो कुछ पॉट में ही। अभी जैसे इस समय चैत बरसात का समय आता है, उस समय चीजें लोग पानी पीने के लिए बहुत रहता है, तो उसके लिए पॉट में ही कम से कम पानी रख देना चाहिए। तो दया क्रय विक्रयो त्वं वामंगमायीं तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च षष्ठम। लड़की का कहने का मतलब है कि आप घर में रहकर व्यापार करें, बाहर में जाके व्यापार करें, जहाँ भी करें, लेकिन हमसे एक बार इजाज़त ले करके। ऐसा नहीं कि अब आप अपने मन से विदेश चले जाइए, अच्छी तरह हमको यहाँ छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी कार्य हो हम लोग का दोनों का सहमति से होना चाहिए। कन्या का सप्तम वचन है, ना सेवनिया परिकिया जाया त्वया भवो दवामणी कामणी चाह भवान मायानी तदा त्वदयं जगाद कन्या वचन सप्तम। देखिए लड़की का अंतिम वचन है और बहुत ही कड़ा वचन है। लड़की कह रही कि कल तक क्या तुम्हारे थे तो आप स्वतंत्र थे, आप किसको देख रहे थे, किस रूप में देख रहे थे हम नहीं जानते, लेकिन अब आज के बाद हमसे आपकी शादी हो गई है, तो जो जिस रिश्ता का है उसी रिश्ता के हिसाब से आपको उसको ताकना है। ऐसा नहीं कि किसी पर गलत। शीतम सदा मदाज्ञा परिपालनम च पतिव्रता धर प्रायण त्वं कुर्जा सदा सर्वम इदम प्रयत्नम देवा अग्निम ग्रुप विप्राणाम सन्निधो भाषणम मम। आप कन्या से कह रहे हैं कि हम आपके सातों वचन को मानेंगे, लेकिन यदि हमारे एक वचन को आप मानेंगे तो हमारे चित्त के अनुसार आपका चित्त होना चाहिए। तो चित्त कैसा होता है, यदि हम खुश हैं तो आपको भी खुश होना है, यदि हम दुखी हैं तो आपको भी दुख होना है। आप हमसे बैठ के पूछिए, हाँ भाई क्या बात है, कष्ट है तो बताइए, और उसको जो है एक दूसरे को मिलकर शेयर करना है। क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि गम को बांटने से जो है दुख मिटता है। कष्ट के बोल रहे ऐसे नहीं होगा, आप बोलिए, आपका आवाज़ कम सुने ही नहीं, कष्ट के बोलिए। चलिए तीन बार बोलिए, तीन बार बोलिए कि हमको मंजूर है, मंजूर है तुम बोल बेटा, हाँ मंजूर है ना, दो बार हाँ सब कुछ।
रब से मांगी थी मैंने वो दुआ हो तुम तोहफा खुदा का मेरी जान हो तुम दहलीज पार करा